सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर। कौन सा जगह? भक्तपुर दरबार स्क्वायर अभी हम पहुंच गए। ये उनका लड़का है जो अंकल कल मिले थे बस में। तो आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सर। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ अभी। तो ये पढ़ाई करते हैं 10th क्लास में। तो 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो इनके पापा अभी छुट्टियों पर, तो भेजे हैं मेरे साथ घुमाने के लिए मुझे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ भक्तपुर है, इनका घर है, वो मंदिर जहाँ पे था पशुपति, वहाँ इनका घर है। और वहाँ मैं गया हॉस्टल से, और वहाँ से फिर इनके घर पे गया, उन्होंने दिखा दिया था कल। और वहाँ से फिर ये हमें भक्तपुर लेके आए, और फिर यहाँ से हम लोग कहाँ चलेंगे? पाटन दरबार स्क्वायर। वहाँ पे पाटन म्यूजियम है, वहाँ पे चलेंगे। और फिर काठमांडू दरबार स्क्वायर। और काठमांडू दरबार स्क्वायर याद रखें अगर आप आए तो। यहाँ पे 3 दरबार स्क्वायर है, एक भटकपुर दरबार स्क्वायर, काठमांडू दरबार स्क्वायर, और एक कौन सा है? पाटन दरबार स्क्वायर। हाँ, पाटन दरबार स्क्वायर। तो आप तीनों विजिट करें, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ेदार है। तो ये किस लिए बना था? ये एंसेंट टाइम पे मौला का राज था इधर। तो उन लोगों ने बनाया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर, आपको हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती ना? थोड़ा इनको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, इसलिए थोड़ा बोलने में इनको प्रॉब्लम हो रहा है। फिर अभी हम आ चुके हैं भक्तपुर दरबार स्क्वायर। वहाँ से बस स्टैंड से 5-10 मिनट पैदल चलना होता है यहाँ आने के लिए। और काफ़ी खूबसूरत जगह, पूरा लकड़ी का टेंपल्स बना हुआ है, बहुत सारे टेंपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सुंदर सुंदर। और बहुत से फॉरेनर्स लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे इसे इस जगह को विज़िट करने के लिए आते हैं। और अभी हम चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। बस से हमें कितना रुपये फेयर लगा वहाँ से पशुपतिनाथ मंदिर से आने में? एक आधी घंटा। कितना घंटा? आधी 45 मिनट। 45 मिनट्स। और फेयर कितना लगा हमें? हमें भाड़ा कि पैसा? कोई पैसा बाहर। एक आदमी का 25 रुपये। 25 रुपये में पूरा यहाँ तक हम लोग आ गए। वो 25 रुपये काफ़ी, अगर आप यहाँ आए तो बस से ट्रेवल करें, नहीं बहुत चीप में हो जाएगा लोकल बस में। अगर आप कार अगर लेते हैं या और भी कुछ तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ सकता है मे बी। और रियली है बहुत यहाँ पे, अगर आप टैक्सीज बुक करते हैं और दूसरी अपना खुद का पर्सनल कार तो आपको बहुत सारे पैसे लग सकते हैं। तो आप अगर आए यहाँ से तो आप लोकल बस में ट्रेवल करें, थोड़ा आपको भटकना पड़ेगा अगर आप अकेले हैं। अगर कोई मिल गया या कोई आपको यहाँ पे रहता है तो फिर कोई बात ही नहीं। मुझे ये भाई साहब मिल गए तो ये मुझे घुमा रहे, नहीं तो मैं अकेला कभी नहीं आ सकता था इधर, बहुत मुश्किल था। वहाँ जहाँ से मेरा हॉस्टल था वहाँ से काफ़ी दूर है, 14 किलोमीटर यहाँ आने में मुझे लग गया। और चलिए अब आप लोगों को भक्तपुर की सैर करवाते हैं। वीडियोस को पूरा एंड तक देखिएगा।